आप देख रहे हैं मातृ गौरव। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कोरोना महामारी के रहते जब से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू हुआ है, तभी से लेकर राजस्थान के सिरोही जिले में भी एहतियाती कदम बढ़ाए गए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज पूरे सिरोही जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन इस जिले का एक गांव है रोईड़ा, जिसके चारों ओर वनवासी क्षेत्र है। जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से यहाँ पर रोईड़ा सेवा समिति के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में भोजन के पैकेट बांटे गए। रोईड़ा ग्राम पंचायत की ओर से राशन के किट वितरित किए गए, जबकि अब यहाँ पर पावापुरी ट्रस्ट, जो कि सिरोही जिले का एक सम्मानित ट्रस्ट है, ज़रूरतमंद गौ सेवा एवं अन्य प्रकार की सेवा के कार्य करते हैं। पावापुरी ट्रस्ट के माध्यम से रोईड़ा की जैन ओसवाल धर्मशाला में 21 अप्रैल से प्रतिदिन करीब 350 लोगों के लिए भोजन के पैकेट बनाए जाते हैं। यह भोजन के पैकेट भूला, मांडवाड़ा, देव, रोईड़ा, वासा आदि क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से लिस्ट के मुताबिक लोगों को दिए जाते हैं। यहाँ पर होम डिलीवरी दी जाती है, जो डिलीवरी लेकर व्यक्ति यहाँ से जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण करते हैं। यहाँ पर भोजन के पैकेट इस प्रकार से पैक किए जाते हैं कि आगे जाकर भी वह खाना उनको गर्म मिले, ऐसा प्रयास किया जाता है। सैनिटाइज का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। व्यास कुमार रावल की रोईड़ा से रिपोर्ट। समूचा देश आज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ITBP, CRPS, पुलिस, डॉक्टर, अनेक लोग सेवा में लगे हैं और सेवा करते करते वो कोरोना संक्रमित भी हो गए हैं। ऐसे में भारत के कई स्थानों पर लोग लॉकडाउन तोड़कर उन पर पत्थरबाजियां करके जाहिलपना बता रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आज समय पत्थर चलाने का नहीं, बल्कि सेवा करने का है। और जो भी जवान ये सेवा कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं सेवा कर रही है, उनको सैल्यूट है। और हमें सब मिलकर कोरोना